एवरीवन, आज था हमारा बाली में डे 3। तो सबसे पहले हम पहुंच गए उलुवाटू टेंपल। ये टेंपल जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे स्थित है। चारों तरफ ये रॉक की दीवारें बनी है और काफी ग्रीन एरिया है। ऊपर में एक मंदिर है जहाँ की ताला बंद रहता है, केवल पुजारी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो रोज ओपन करते हैं और पूजा करते हैं, बाकी सबको मना है। और ये स्कर्ट या तो आपको ये ऑरेंज वाली बेल्ट लेनी पड़ती है, तो हमने बेल्ट लिया था क्योंकि हमने फुल कपड़े पहने थे। जिन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने हैं उन्हें स्कर्ट लेना पड़ता है। ये आपकी चॉइस है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन शायद यही होता है क्योंकि स्कर्ट ज्यादातर फॉरेनर जिन्होंने छोटे कपड़े पहने थे उन्होंने ले रखे थे। और ये सबसे खूबसूरत यहाँ से सीन है जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये बाली की हर फोटो वीडियो में आपको दिखती होगी, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लगता है नजारा। मन करता है यहीं पे खड़े रहे, और इंडियन को तो यही लगता होगा कि हाथ में एक कप चाय मिल जाए तो क्या ही कहने। तो यहाँ की ब्यूटी बहुत ही लाजवाब है। बाली अपने आप में काफी खूबसूरत है, इसकी हर जगह एक अलग ब्यूटी को दिखाती है। यहाँ पे इनकी ये देवता की मूर्ति बनी हुई थी और नीचे बंदर की भी थी। यसी के पास एक बंदर आ गया था जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी, और बंदर ने मेरे पर्स से चेन खोल के मेरा चश्मा निकाल लिया। तो बहुत ध्यान दे, मेरे बगल में तो कोई एक खड़ा था, उसका पराडा का चश्मा लेके चला गया, वो तो काफी महंगा था। फिर ह्यूमिड काफी था तो बाहर आके हमने सबने नारियल पानी पिया। जो बाली का नारियल पानी होता है ना, वो बहुत बड़ा नारियल होता है, तो आपका पेट तो कम से कम डेढ़ दो गिलास पानी निकलता है तो भर ही जाता है। उसके बाद हम चले गए, आज हमारा वाटर एक्टिविटी था। तो सबसे पहले पापा मम्मी ने किया ये जेट स्कीम, उसके बाद हमारा सी वॉक था, हम पानी के अंदर चले गए। ये काफी अलग सा एक्सपीरियंस होता है, आपको थोड़ी हिम्मत करके जरूर जानी चाहिए यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर पेरेंट्स साथ में है तो उनका टिकट ना ले। हमारे पेरेंट्स का टिकट का पैसा वेस्ट हो गया था क्योंकि उनकी एज 60+ है, 60+ में इंश्योरेंस भी नहीं होता और उन्हें हेल्थ इशू है, तो इसलिए पानी के अंदर जाना सही नहीं है। क्योंकि कभी आपको लगेगा कि कानों में दर्द हो रहा है, कभी लगेगा आंखों में जलन हो रहा है। और ये हमें नीमो मछली दिखती थी, नीमो एक मूवी है उसमें ये मछली रहती है, इसका नाम नींबू रहता है, तो हमने उसे काफी परेशान किया छेड़छाड़ की। उसके बाद ऐसी रेलिंग सी बनी है, पीछे आप देख सकते हैं दिल भी बना हुआ है। ये फोटोजेनिक माहौल उन्होंने बना रखा है कि लोग नीचे आए तो फोटो वगैरह क्लिक किया रहे। और ये काफी कॉस्टली था फोटो वीडियो बनवाना, लगभग इंडियन के हिसाब से हमने 7,000 रुपए दिए थे। लेकिन आप एक बार जाते हो तो मेमोरी तो रहनी चाहिए, तो हमने भी करा लिया था। जबकि इसके पहले हमने स्कूबा डाइविंग भी की थी जब हम पहली बार आए थे, दूसरी बार हमने सोचा हम सी वॉक करते हैं। उसके बाद हम घर निकल गए थे। यहाँ का मौसम तो पल पल बदलता रहता है, अभी देखिए कितनी धूप थी, अभी देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है। फिर हम आ गए थे होटल और हमने रेस्ट किया। उसके बाद ये हमारा डे 4 है। डे 4 में सबसे पहले हम गए ताना लॉट टेम्पल। ये टेम्पल जब मैं पहली बार आई थी तब भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था, यहाँ की ब्यूटी अलग है। ब्लैक पत्थर आपको यहाँ पे हर जगह दिखेंगे, और उसके साथ साथ ये मंदिर भी समुद्र के किनारे है। और यहाँ पे काफी अच्छा इन्होंने डेकोर कर रखा है हर चीज का, ग्रीनरी पत्थर स्टोन जो भी लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, यहाँ पे साफ सफाई काफी है। वैसे तो साफ सफाई हर जगह है, लेकिन यहाँ को बिल्कुल अलग सा फील होगा कि हाँ बिल्कुल ही क्लीन है, बिल्कुल ग्रीन एरिया है और बहुत अच्छी वाइब आती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर फोटो वगैरह क्लिक की, और ह्यूमिड तो दिन में यहाँ पे भी था, तो थोड़ा सा यही था कि गर्मी की वजह से थोड़ा परेशान हो रहे थे। जैसी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जा रही थी, वो तो एकदम चढ़ जा रही थी गर्मी में, और उसे बिल्कुल पानी में नहाने का ही याद आ रहा था। तो हमने थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद ये देखिए यहाँ का टेम्पल है। पहले ये टेम्पल ओपन था कि यहाँ पे कोई जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो गए और जो वाटर लेवल है वो अचानक से बढ़ जाता है, घट जाता है, इस वजह से अब टेंपल में कोई नहीं जा सकता, केवल यहाँ के लोग ही जाते हैं, वो भी पूजा वगैरह करने के लिए। तो ये यहाँ से सीन था जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। फिर हम थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद यहीं पे ऊपर चले गए। ऊपर में ये खाने पीने का छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हैं, यहाँ से आप व्यू इंजॉय कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। तो हमने अपने लिए ऑमलेट और अवाकाडो टोस्ट ऑर्डर किया था, और उसके साथ साथ फ्रेश जूस पीना बाली में बिल्कुल ना भूले, वो काफी बढ़िया होता है, आपको मतलब इंडिया से अलग लगेगा वहाँ का ऑरेंज और पाइनएप्पल दोनों का फ्लेवर। फिर हमें चाय कॉफी लेनी थी, तो हम आगे एक टी गार्डन में जहाँ पे हमने कॉफी और चाय खरीदी खूब सारी, लगभग 8-10 पैकेट हमने ले ली थी। लेकिन उसके पहले हमने ट्राई किया इतनी सारी टी कॉफी, फिर हमें जो पसंद आई थी हमने वही लिया, और जो सबसे महंगी कॉफी थी वो तो सबसे बकवास थी। उसके बाद हम यहाँ से निकल के आ गए थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे जिसका नाम था हंडारा गेट। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जो गेट है यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं, तो ऐसे ही ये गेट बना हुआ था। इसके अंदर गोल्फ कोर्स और कई सारे होटल हैं, तो हमने गेट से ही फोटो खिंचाई। पानी बरस रहा था लेकिन हमारे पास कपड़े थे तो हमने खिंचा लिया, क्योंकि फोटो खिंचाने के लिए भी काफी लाइन थी। फिर वहां से निकल के हम पहुंच गए उलन ढाडू टेम्पल, आई थिंक यही नाम था या जो भी था, मैं मेंशन कर दूंगी।
इसका नाम काफी अजीबोगरीब है। ये बहुत बड़ा पार्क था और ये भी समुद्र के किनारे था और इतना खूबसूरत था कि ये तारालोट टेम्पल से भी ज्यादा बढ़िया मुझे लगा। जब मैं पहली बार आई थी तो हम यहाँ पे नहीं आए थे क्योंकि बाली में इतनी जगह है ना कि आप एक बार में तो कवर कर ही नहीं सकते, आपको दो तीन बार तो आना ही पड़ेगा। हम दूसरी बार आए हैं तब भी हम सारी जगह नहीं कवर कर पाए हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत था और ये ब्लैक, बिल्कुल जैसे आपको अपने के यहाँ लगता है कि धान है उसी तरीके से ये ब्लैक कुछ कुछ था और इससे ये पूरे ऊपर की छत बनी हुई थी जो कि काफी खूबसूरत था। बिल्कुल समुद्र के किनारे था ये और एकदम पास में ही दिख रहा था सब कुछ, समुद्र वगैरह, तो ये इतना बढ़िया लग रहा था ना यहाँ की ब्यूटी तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि ये पास से कितना खूबसूरत था। तो सबने फोटो सेशन कराया और बारिश होने की वजह से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था तो यहाँ घूमने में हमें सबसे मजा आया। अंदर कुछ शाम हो गई थी तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि हम आते आते हमें यहाँ पे 4 बज गए थे शाम के, तो 4 बजे के बाद लगभग 5:30 बजे क्लोज होने लगता है तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। हमने पूरा मंदिर देखा और सब कुछ घूमा, ये मंदिर नहीं था सॉरी, ये पार्क था। यहाँ पे काफी फोटोजेनिक एरिया बने हुए थे जहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं और ये यहाँ का सब कुछ है देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे भगवान के भी बनी हुई थी मूर्तियाँ और जो भी बनी थी हमें तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। हमने इस फ्लावर की भी कई वैरायटी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं कई तरीके के फूलों का ये गार्डन था। मुझे लग रहा है स्पेशली ये फ्लावर की वैरायटी के लिए ही बनाया गया है या जो भी, मुझे उतना समझ में नहीं आया इन सब चीज़ों का यहाँ पे, लेकिन आप जब भी आए यहाँ आने का प्लान जरूर बनाएं, ये बहुत ही अच्छी जगह है। फिर यहाँ पे फिश थी, आप फिश के लिए दाना लेके उनको खिला सकते हैं पास से, ये काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी और यशी को तो बहुत मज़ा आया उनको दाना खिला के, उसे मछलियों को पास से देखने में बेबी शार्क साउंड भी याद आ रहा था। उसके बाद हमने थोड़ी देर मस्ती की। ये जो बना था एक्वेरियम ये काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही बढ़िया था, तो हमने यहाँ पे भी थोड़ा देर इंजॉय किया। उसके बाद ऐसी सारी जगह टहल रही थी, उसको तो फूल और पेड़ देख के बिल्कुल पास से इतना मज़ा आ रहा था कि वो कहीं टिकी नहीं रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आज का पूरा दिन में जो भी हमने 3 जगह घूमे हमें सारे वो बेस्ट लगे थे, तो इसीलिए आप जब भी आए तो उलंडानू टेम्पल आई थिंक इस जगह का नाम है, तो आप यहाँ पे जरूर आए। उसके बाद हम आ गए थे होटल और हमने डिनर करके रेस्ट किया था। आज के लिए इतना ही बस।